Allosteric effects, we will discuss in this module the allosteric effects of hemoglobin. allosteric means the other sides. Apart from the oxygen binding of hemoglobin to reversibly bind, oxygen is affected by the pH of the environment and the partial pressure of carbon dioxide. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ टू थ्री बिसफॉसफो ग्लिसरेट विल डिस्कस इन डिटेल वन बाई वन कि ये तीनों चीज़ें किस तरह जो है ना उसको डिफाइन करती हैं पी एच किस तरह जो है ना उसको वेरिएट करती है इसी तरह पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टू थ्री बिसफॉसफो ग्लिसरेट जो है वो हिमोग्लोबिन की ऑक्सीजन अफिनिटी को किस तरह अबिलिटी को किस तरह रिवर्सिबली बाइंडिंग उसकी कैपेसिटी को किस तरह जो है वो चेंज करता है

बिकॉज दे आर इंटरेक्शंस एट वन साइट ऑन द हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू दिम ग्रुप ऑन ददर लोकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल यही हमने देखा है कि एक मोनोमर पर आके लगता है लगा ऑक्सीजन तो उसने बाकी मोनोमर्स को भी जो है ना वो चेंज कर दिया उसकी उसकी जो है ना वो बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया और उसकी इफिनिटी को इंक्रीज कर दिया so ये effect तो ये एलोस्टेरिक इफेक्ट तो ऑक्सीजन का है इसके अलावा पी एच पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टू थ्री बिस्फास्फोग्लेसिएट की कंसेंट्रेशन जो है वो भी एलोस्टेरिकली इसकी बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू माओग्लोबिन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई दी एलोस्टेरिक अफेक्टर्स ऑफ हीमोगलोबिन ये हीमोगलोबिन के जो तीन हमने एलोस्टेरिक्ट डिफाइन किए ये माओग्लोबिन में नहीं होते वो इसलिए कि माओग्लोबिन जो है वो हमने डिफ़ाइन किया वो मोनोमर है उसमें एक ही जो है ना वो है उसके अंदर चार डि आठ डिफरेंट चेंज़ हमने डिफाइन की थी अल्फा चेंज हैं इसलिए वहाँ पर मल्टी सब यूनिट्स नहीं हैं उसके इसलिए वहाँ पर ये एलोस्टेरिकट जो है वो माओग्लोबिन पर जो है वो नहीं नजर आता इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द दैरीफ्रल टिश्यू हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन तो ये उसका सेकेंड फंक्शन ये है कि एक तो हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करेगा और पेरीफ्रल टिश्यू में जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको डिसोसिएट करेगा और वहाँ उसको डिलीवर करेगा अब पेरीफ्रल टिश्यू में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है वो किस तरह बन रही है ड्यू टू मेटाबोलिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ने अटैच होना है इसी हीमोग्लोबिन के साथ और अल्टीमेटली इस हीमोग्लोबिन ने उसको वहाँ से कैरी करके लंग्स में लेके आना है और लंग्स में आके इसने डिसोसिएट कर देना है उसी कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली वो एक्सहेल हो जाएगी और नई जो है ना ऑक्सीजन वहाँ से लेके टिश्यूज़ तक लेके जानी है एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम दी पेरीफरल टिश्यू टू दी लंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल के कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है और कैसे ये प्रोटॉन्स को लेके जाता है ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू दी अदर साइड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट वी विल डिस्कस दाउ द ट्रांस द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बामेट्स फॉर्म विद दी अमाइनोटर्मिनल नाइट्रोजन ऑफ दी पोलीपेप्टाइड चेंस के जिस तरह हमने कहा था कि ऑक्सीजन आके लगती है लेकिन ऑक्सीजन तो फेरस के ऊपर आके लगी थी ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड फेरस पे नहीं लग रही ये कार्बामेट्स बनाती है उसके अमाइनो टर्मिनल एंड के ऊपर और वो मोस्टली वेलाइन रेजिड्यूज जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ मिल ये कार्बामाइट कार्बामेट्स बना देती है इस इस दायग्रामेटिक प्रजेंटेशन ऑफ फार्मेशन ऑफ कार्बामेट वी कैन सी हीयर कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ हमने हिमोग्लोबिन ऐड किया और हीमोग्लोबिन के साथ ये अमाइनो उसका एंड है यहाँ पे ये अमाइनो टर्मिनल एंड है उसका इसके साथ हाइड्रोजन जो है दो हाइड्रोजन लगे और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड साथ सी ओ टू यहाँ लग रही है तो ये इसने कार्बामाइट बना दिए तो इस कर, इस करव, इस दी दिस दीज कार्बोमाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन वी कैन सी इन अदर दिस दिस डायग्राम यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अल्फा बीटा डायमर एक यहाँ पड़ा है दूसरा अल्फा बीटा डायमर यहाँ पड़ा है अब यहाँ पे से एक वेलाइन रेजिड्यू है जिसको आर से हमने डिफाइन किया हुआ है इसके साथ ये इसका अमाइनो टर्मिनल है और अमाइनो टर्मिनल हमने देखा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है ये हम देख रहे हैं इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आके मिली एक अमाइनो टर्मिनल यहाँ पड़ा हुआ है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ आके इन अमाइनो टर्मिनल के साथ मिलेगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो टर्मिनल जो है ये अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज में हो जाएगा अब इस साइड पे ऑक्सीजन नहीं मिली तो यहाँ पे आके ये पॉजिटिव रहा ये नेगेटिव हो गया तो एक नया इंटरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इंट्रैक्शन बन गया जिसने इस डायमर को अल्फाबीटा एक इस डायमर को यहाँ पे इस इंट्रैक्शन की वजह से ये हम देख सकते हैं कि फासला इसका बड़ा बड़ा थोड़ा सा रह गया जबकि यहाँ ये यह डायमर बहुत दूर दूर पड़े हुए तो इसने ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड ने भी ऐसी कन्फर्मेशनल चेंज उसके अंदर ले आया जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना उसके चार्ज चेंज होने की वजह से आई कि इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है इस फॉर्म में यहां आके नहीं लगती वो डिसोसिएटली इजीली डिसोसिएट होगी डिऑक्सीजेटेड हीमोग्लोबिन में जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां इजीली अटैच हो जाएगी दिस इज अदर फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कार्बोमेट्स चेंज द चार्ज ऑन अमाइनो एसिड टर्मिनल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिवली किस तरह उसके चार्ज को चेंज कर देता है कि माइनो ग्रुप उसका पॉजिटिवली चार्ज है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड लगी तो वो उसने उसको नेगेटिवली चार्ज बना दिया फेवरिंग आयोनिक इंटरेक्शंस फॉर्मेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेंज यही हमने पिछले डायग्राम में देखा कि अल्फा एंड बीटा चेंज में एक एक साइड पे पॉजिटिव है एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव लग गया तो उसके साथ एक यानिक बॉन्ड बन गया इस इसक बॉन्ड ने अल्फ़ा बीटा मोनोमर्स को जो डायमर्स थे उनको और करीब ले आया हैंड्स फेवरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ टी फॉर्म ऑफ द डी हीमोग्लोबिन के ये इसने उसको जिस वक्त ये करीब ले आया तो हमने कहा था ये टी फॉर्म और टॉट फॉर्म में आ जाएगा उसमें ये डी फॉर्म में रहेगा ज़्यादा और ये ऑक्सीजन जो है ना वो यहाँ पर डिसोसिएट करेगा अटैच नहीं कर सकेगा टी फॉर्म में जबकि हमने देखा था कि आर्म फॉर्म में अटैच कर सकता है तो ये टी फॉर्म की कन्वर्शन जो है ये ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग है और ये इफेक्टिव होगी इन दी पेरीफ्रल टिश्यूज़ जहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड उठानी है और उसको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट करना है टू दी लंग्स हीमोग्लोबिन कार्बोमेट्स अकाउंट्स फॉर अबाउट फिफ्टीन परसेंट ऑफ दी कार्बन डाईऑक्साइड इन दिनस ब्लड फिफ्टीन परसेंट जो है वो कार्बन डाईऑक्साइड एज ए कार्बामेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है दिस इज द डायगोमेटिक प्रजेंटेशन इफ वी कैन सी हीयर कि यहाँ पर आके हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन चार लगे हुए हैं जबकि ये लंग से लेके ये जाके यहाँ पे पेरीफ्रल टिश्यू में ये जाके दे रही है और यहाँ से कार्बन यहाँ से ये देख देख रहे हैं एनएच के साथ जो माइनो टर्मिनल के साथ अल्टीमेटली यहां ले जाके लंग्स में रिलीज कर देगाक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड डिजोल्व एज ए बाई कार्बोनेट आइंस विच इज अराउंडी टू एसेंट एंड ऑल्सो डिजोल्व एज सीओ टू विच इज अराउंडिसन देश

कार्बोनिक एसिड स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब अब बाइकार्ब जो है वो अंदर एक्सेस में हो गया तो ये बाहर चला जाएगा और इलेक्ट्रोन्यूट्रेलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड अंदर आ जाएगा इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं जबकि ये, ये प्रोटोन जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ये हाइड्रोजन यहाँ से जो एक्सेस में आया इसने उसको बफरिंग करने के लिए ये हीमोग्लोबिन के हिस्टेडिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर ये हीमोग्लोबिन एच एच बी बना दिया इसने और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में आ रही है यहाँ से वो यहाँ पे आके हमने देखा था ये कार्बोमेट फॉर्म में जो है कन्वर्ट होगी दिस इज सेम डायग्राम की जो है ना वो अदर प्रेजेंटेशन है कि इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आ रही है और ये कन्वर्ट हो रही है कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज और सी डी एनजाइम जो है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये कन्वर्ट हो रही है कार्बोनिक एसिड में और कार्बोनिक एसिड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है स्पॉन्टेनियसली इंटू हाइड्रोजन एंड बाई कार्बन सो दिस इज दी प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन साइड द सेल्स एंड इन साइड द आर बी सीज वे इट इज़ अटैच विद दी हीमोग्लोबिन एंड इट इज़ Converted into carbamate and also converted or transported to the lungs where it is exhaled.